हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग हो गई है और टाइम हुआ है 7 बज रहे थे और मैं यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। सुबह में जो रहता है गर्म पानी, मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ सुबह में, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठकर गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है सुबह में। यहाँ पर मैं रसोई वगैरह फोल्ड कर रही हूँ और मुझे सारे में झाड़ू लगानी थी और रेडी होना था स्कूल के लिए। ये मैं रात में ही कमरा साफ करके लेट जाती हूँ। वैसे तो मैं सारे काम ही रात में कर लेती हूँ और ताकि मुझे सुबह में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन सुबह में भी इतने काम हो जाते हैं और मैं जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल के और फिर मुझे स्कूल जाना होता है, रेडी होना होता है, फिर पूजा भी करनी होती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और बहुत ठंड हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से ओस पड़ रही थी। 7 बज रहे हैं तो आप देख सकते हैं हवा भी चल रही थी, तो मैंने ज़्यादा से कपड़े पहन के रखे हैं और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी मुझे ठंड लगती रहती है। तो ये तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिंगवा रही हूँ। वैसे तो मैं साफ़ करके लेटती हूँ और स्कूल से आने के बाद भी काफ़ी मेरे पास काम होता है, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। और मैं स्कूल में, मतलब स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैं थक भी जाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तब भी वो चुप नहीं होते और इतनी थक जाती हूँ। और फिर भी मैं, जैसे मैं सफाई करके जाती हूँ लेकिन घर वापस आती हूँ तो ऐसा नहीं मिलता, फिर भी फैल ही जाता है। तो मुझे, जैसे मैं इतनी सफाई से, डीपली सफाई से झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो मुझे गंदा ही मिलता है, तो फिर मुझे दोबारा दोबारा सफाई करनी पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ पर डीपली सफाई करके जाती हूँ। तो मेरा कमरा भी हो गया था साफ़ और किचन भी मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से झाड़ू लगा करके। और बस ये रहता है कि झाड़ू निकाल कर ही जानी पड़ती है, और वरना टेंशन रहती है कि चलो अगर झाड़ू के बिना नहीं गई तो मम्मी अकेली कैसे करेगी। एक ज़िम्मेदारी होती है, लड़कियां वैसे भी बहुत काम करती है, मेरा ये मानना है क्योंकि मैं करती हूँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। मेरी सिस्टर भी हैं बड़ी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मेरी सिस्टर है और हम 5 सिस्टर हैं और 4 मेरे से बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो मैं सबसे छोटी हूँ घर में और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मम्मी पे इतना काम भी नहीं होता, मम्मी जो हमारी भैंसी वगैरह है उनका काम करती है, उनको संभालती है, मैं घर का काम करती हूँ। पहले तो मैं स्कूल में जाती हूँ, वहाँ से 2 बजे तक आती हूँ, उसके बाद भी मेरा बिजी ही रहता है कि मैं वहाँ से आके भी काम करती हूँ। तो मॉर्निंग में ये होता है कि मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम ही लग जाता है काम करने में। वैसे मेरा स्कूल का टाइम 9 बजे है और 9 बजे तक मैं सारा काम कर लेती हूँ, 9 बजे तक मुझे करना ही होता है। कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ लेकिन ये होता है कि स्कूल में जा कर के जाना ही, मतलब टाइम से ही जाना होता है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट चल जाता है, उसके बाद में मैडम हमें बोल ही देती है कि लेट हो आप, तो इसलिए हमें टाइम पे जाना पड़ता है। और घर के बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई थी, बाहर तक मैंने झाड़ू लगा ली थी और यहाँ पे मैंने टब भर के रखा था। रात टंकी, एक टंकी ख़राब हो गई थी जिसके कारण टैंक पूरा खाली हो गया था, तो हमने ये टब भर दिए थे ताकि हम पानी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर पहले मैं अच्छे से अपना मुँह धुल रही थी और फिर ब्रश करूँगी, मेरा ब्रश हो जाएगा। ब्रश करने के बाद मैं कपड़े निकालूंगी और यहाँ पर ब्रश अच्छे से कर रही थी। और अब की बार ये था कि होता है ना कि चलो ये सर्दी हो रही है तो सर्दी में इतना होता है कि हम सुबह नहीं उठ पाते, लेकिन गर्मियों में मेरा अच्छा रूटीन रहता है, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में तो सर्दी लगती रहती है, इतनी जल्दी नहीं उठ पाते। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी नहाने के लिए, कपड़े निकाल रही हूँ, तो मैं आज क्या पहन के जाऊँगी वो देख रही थी। तो मैं यहाँ पर ये रेड कुर्ती और ये लेगिंग पहन के जाऊँगी।
तो यहाँ पर मैं नहाने के बाद आ गई थी सीधा मंदिर में। तो यहाँ पर मंदिर में आने के बाद मैं कान्हा जी की गर्म पानी लेकर आई थी, उनको नहला रही थी और बड़े कान्हा जी के कपड़े निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो छोटे कान्हा जी हमारे हमारे पास में दो कान्हा जी है, छोटे कान्हा जी और बड़े कान्हा जी। तो बड़े कान्हा जी को मैंने नहला दिया था और इनके कपड़े ये वाले मैं पहना रही थी, को अच्छे से तैयार कर रही थी। फिर टाइम लगेगा तो मैं मंदिर की भी सफाई करूँगी, और मंदिर की सफाई जिस दिन करूँगी तो मैं दिखाऊँगी कि मंदिर की सफाई में मैंने कितना कैसे कैसे सामान लगाया। होता है ना कि अच्छे से मंदिर की सफाई करूँगी तो उस दिन, वैसे मुझे मंदिर की सफाई करनी है, टाइम निकलेगा तो तब करूँगी। मेरा बिजी रहता है बहुत, मुझे स्कूल का वर्क भी देखना पड़ता है, बच्चों का काम भी देखना पड़ता है, और अभी फ़िलहाल में आज उनके टेस्ट ट्रायल टेस्ट हैं तो उनकी तैयारी चल रही है, तो आज में पहला ही टेस्ट है तो वो भी लेना है मुझे जा कर के। और बहुत सारा, एक टीचर को बहुत सारा काम होता है, टीचर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। घर पे तो ये होता है कि एज ए पेरेंट्स बच्चे एक ही बच्चा हम संभालते हैं, लेकिन एज ए टीचर इतने सारे बच्चे होते हैं उनको संभालना पड़ता है हमें, उनकी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, खुद संभाल रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे कान्हा जी नहला रही थी, मैं छोटे कान्हा जी, हमारे छोटे कान्हा जी थे, तो मैं अपने छोटे दोनों कान्हा जी बड़े ही प्यारे लगते हैं मुझे, और इनको अच्छे से नहलाने के बाद मैं दिया बत्ती कर दूँगी। कभी कभी ये होता है कि भाई स्कूल निकलना होता है जल्दी जल्दी, तो उनकी पूजा नहीं होती है, कुछ भी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है, मैं तो नहीं हो पाती पूजा, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अंदर ही अंदर मुझे इनकी टेंशन रहती है कि पता नहीं पूजा भी हो पाएगी नहीं। तो मैं अपने कान्हा जी की पूजा तब होती है तो मुझे मन को सुकून मिलता है कि हाँ इनकी पूजा हो गई, उनको खाना वगैरह खा लिया उन्होंने, तब मुझे मेरा दिन अच्छा गुजरता है। ये सबके साथ ही होता है, जो मतलब लड़कियां हो चाहे औरतें हो, उनके वो कान्हा जी की पूजा करती है तो शायद सबके मन में ही ये बात रहती होगी, और मेरे मन में यही रहता है कि हाँ उनकी पूजा हो गई है, चलो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया, वो आराम से बैठ गए हैं, नहा कर बैठ गए हैं, कुछ खा लिया उन्होंने, तो ये रहता है। तो मैं यहाँ पर इनका श्रृंगार वगैरह कर दूँगी, माला पहना दूँगी, इनका जो उनका मुकुट वगैरह है वो पे इनके सर पर पहना दूँगी, इनका मेकअप हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद ये होता है कि अच्छे से मेकअप करने के बाद ये बड़े सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों कान्हा जी। और अब मैं यहाँ पर घी इनके कपड़े वगैरह रख दूँगी, और घी सर्दियों में वो पिघलना पड़ता है, तो मैं उसको गैस पर गर्म करने जा रही हूँ। तो ये हमारे छोटा सा पूजा घर है, और हमारे, मैंने आपसे आप अपने घर के बारे में बताऊं तो हमारा आधा घर तो पूरा पक्का है, लेकिन हमारा एक कमरा और हमारी पूजा ये कच्चा है, मतलब कच्ची मिट्टी से बने हुए मकान है ये। तो हमारी आधी जो दीवार है वो पक्की है और जो आधी दीवार वो कच्ची है, अभी भी फाइनल हमारे मकान नहीं बने हुए हैं। तो ये ऐसा ही हमारा पूजा घर है, और जो ये पूजा घर है हमारा, जब मैं बहुत छोटी सी थी, छोटी भी नहीं थी तब, मैं हुई भी नहीं थी, पैदा भी नहीं हुई थी, तब से हमारा ये पूजा घर है। तो ये हमारे लिए लक्की माना जाता है घर के लिए, कि हमारा ये पूजा घर पहले से ही यहाँ पर है, तो इसलिए ये मेरे होने से, मतलब पैदा होने से पहले यहाँ है। तो हम पूजा घर हमेशा यहीं पर रखेंगे अपना, और इसी तरीके से अगर मकान बनने लगे आगे भी तो इसी तरीके से ये बनेंगे। तो मैं अब यहाँ पर दिया कर रही हूँ, और मेरा दिया होने के बाद मैं दिया जला रही हूँ। और एक बात ये है कि अगर हम दिया जला रहे हैं तो सबसे पहले यही कहूँगी, तो मेरा अगर मैं मानूँ तो मैं पहले
गणेश जी का नाम लेती हूँ, फिर अपना मंत्र पढ़ती हूँ, गायत्री मंत्र, उसके बाद मेरी पूजा हो जाती है। मैं इतनी पूजा करती हूँ और भगवान ने सबको सबको यही बोलती हूँ कि सब खुश रहे और कोई भी दुखी ना रहे, बस अगर सब खुश रहेंगे तो उसमें मैं भी खुश रहूँगी। मुझे और भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि अगर सब खुश रहे, किसी कोई भी दुखी ना रहे बस। और मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर यहाँ पर सीरम लगाती हूँ, तो सीरम के बाद ही मैं अपना सनक्रीम यूज़ करती हूँ। मैं अपने फेस पर सनक्रीम हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, मैं हमेशा अपनी सनक्रीम यूज़ करती हूँ। मैं आपको यही अपने ब्लॉग में बताऊँगी कि हमेशा फेस का ध्यान रखना चाहिए। फेस आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्किन सेंसिटिव होती है, इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आगे जाके ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ब्लॉग में हमेशा यही होता है कि अपना फेस का आप हमेशा ध्यान रखिए, तो मैं हमेशा अपने फेस का ध्यान रखती हूँ। और आपसे भी यही बोलूँगी, जैसे मैं ध्यान रखती हूँ तो आप भी ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर अपनी वॉच पहन लेती हूँ, और वॉच पहनने के बाद मैं यहाँ पर, एक्चुअली ये वॉच मेरी दीदी ने दिलाई है मेरे को, और आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बाल कॉम कर लेती हूँ, और ये जो मेरी कुर्ती है ये बहुत लूज़ है और बड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे, मैंने फिर भी मैंने लूज के कारण ही पहन ली थी, और जो लैगिन वगैरह पहले डाली थी वो भी लूज हो रही थी तो मैंने निकाल दी थी, लेकिन जो सलवार थी वो मैचिंग हो रही थी। अब लूज के कारण मुझे बड़ी अपनी कुर्ती अजीब भी लग रही थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर जैकेट पहन लूँगी। फिर मैंने यहाँ पर ये रेड कलर की जर्सी पहनी, लेकिन फिर भी मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगी, फिर भी मैं इसको निकाल ही दूँगी लास्ट में आकर कि भाई मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर जैकेट डाल ली, उसके बाद अपना स्कार्फ, और मैं रेडी हो गई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही थी, एंड रेडी हो जाती हूँ मैं, और मैं अपना कमरा साफ करके ही जाती हूँ, ताकि मुझे है ना ये होता है कि मुझे साफ़ सुथरा ही पसंद है, मुझे फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे मैं कितनी भी थक रही हूँ, कितनी भी बिल्कुल मेरी तबीयत ही ख़राब हो, फिर भी मुझे सफाई चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं होता बिल्कुल फैला हुआ आप देख सको। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड खुशी आ गई थी, वो मेरे साथ ही पढ़ाती है, और फिर उसके बाद हम तैयार होकर नाश्ता करके निकल गए थे, और आप देख सकते हैं हम बातें कर रहे थे बड़े से, और रास्ते में देख सकते हैं आप कितनी धूप पड़ रही थी। तो एक और फ्रेंड है तो वो भी हमारे साथ आती है, तीन जाती है साथ में, तो हम तीन साथ में जा रही थी। तो आगे हमारी ये जा रहे थे, आप पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी तो हम नहीं बोलते, बोलते जरूर है गाँव की भाषा में, झुट्टा बुड्ढी झुट्टा बुड्ढी जा रही थी, और चलो ये निकल गई। और हम तैयार हो गए थे, मैं भी तैयार थी, तो अब यह है कि मास्क तो परमानेंट अलाउड है, और हम बिना विदाउट मास्क के नहीं जाते। तो यहाँ पर देखिए रास्ता ये है हमारा, तो इसके ये घर जो घर दिखाई दे रहा है आगे हमारी स्कूल है, तो ये स्कूल की बस जा रही है, और आप देख सकते हैं इसमें बस में बच्चे आए हैं, तो मेरा स्कूल बस ये नेक्स्ट में यहाँ पे मुड़ गई है बस, तो यही मेरा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर अब आपको एक दिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा स्कूल देखना है, तो मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊँगी। और देखो हम स्कूल आ गए हैं, अपने बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और हम स्कूल में एंट्री कर लेंगे। तो कैसा लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।